विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव काजल हेड़ी फतेहाबाद में पहुंची। सरकारी योजनाओं के असल लाभ पात्रों को योजनाओं का लाभ की जानकारी के साथ ही साथ उन्हें उज्ज्वल योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य लाभ ग्रामीणों को दिलाया गया। कार्यक्रम में विधायक दुराराम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को पीएम मोदी के विजन और सीएम मनोहर के जन संवाद से लोगों को रूबरू कराया। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल की सरकार में गरीबों के कल्याण और उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं। हरियाणा सरकार द्वारा आम जन की शिकायतें, मांगे और सुझाव देने के लिए सीधे लोगों के बीच जाने की पहल शुरू की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा काजल हेड़ी फतेहाबाद में पहुंची। सरकारी योजनाओं के असल लाभ पात्रों की योजनाओं के लाभ की जानकारी के साथ साथ उन्हें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य लाभ ग्रामीणों को दिलाए गए। कार्यक्रम में विधायक दुराराम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है, उनमें मिली खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि योजनाओं का लाभ असल लाभ पात्रों तक पहुँचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज भारत मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है और साल 2047 तक देश विश्व का सिरमौर बनेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में हरियाणा में पानीपत में प्रारंभ किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज सफलता की ओर बढ़ रहा है। उस समय प्रदेश में बेटियों का लिंगानुपात चिंतित करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वहीं यात्रा में आए लाभार्थियों ने बताया किस तरह से इस यात्रा के जरिए उनके वो काम बन गए जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लंबे समय से काट रहे थे। लाभ मिल रहा है, पेंशन बन रही है। क्या कैसे कैसे बनी, कैसे क्या हुआ था? आज मैंने करा सब कुछ। तो इस तरह से जो सरकार के द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं, कितना लाभ मिल रहा है लोगों को? पहले क्या दिक्कतें आती थी जो अब तक पेंशन नहीं बन पाई आपकी? अब कागज पत्र चला रहे थे, जल्दी देख रहे थे, वहाँ यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। अब आपका काम जल्दी से हो गया? हाँ। चक्कर लगाना पड़ा था पहले आपको? हाँ। पर अब आपके दरबार पर जब कैंप लगाया तब आपको लाभ मिला है? हाँ, अभी होना है ना। सरकार का कितना धन्यवाद करोगे? हाँ, बहुत धन्यवाद। लोगों को जितना देख के लग रहा है वो उनको प्रॉफिट मिल रहा है इस चीज से। बेनिफिट तो है, लोग अपना आगे काम करवा रहे हैं और लोगों का यहाँ पे काम भी बन रहा है, तो बेनिफिट है। आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे लोग अपना काम बनवा रहे हैं, हो रहा है लोगों का काम। आप क्या काम करवाने आए थे? मैंने अभी बताया, मैं अपना काम करवाने आई थी, राशन कार्ड वाला, मेरा राशन कार्ड अप्लाई हुआ। तो पहले आपको पता था राशन कार्ड हमारा बना हुआ है? नहीं, कैंप में आके पता चला। तो सरकार का किस तरह धन्यवाद करोगे? जितने लोगों को प्रॉफिट हुआ है इस चीज से, उन लोगों को गवर्नमेंट ने अगर ये चीज करवाई है तो अच्छी ही करवाई है। पेंशन बनवाने के लिए आए थे, काम सारा हो गया है, डॉक्यूमेंट सारे दे दिए हैं सत्यापित के लिए, वो हो चुका है और हमको बताया गया है कि एक दो महीने में तुम्हें मिल जाएगी। लोगों को सबको लाभ मिल रहा है, लेकिन मुझे तो उम्मीद पूरी पूरी लग रही है कि मेरा हो जाएगा काम। और जो मुझे फोन द्वारा बुलाया गया तो इसलिए मेरा सारा काम हो गया है। सरकार की योजनाओं का कितना लाभ ले रहे हो? कितना धन्यवाद करोगे सरकार का? धन्यवाद तो ये, आज तो मेरा सारा काम हो गया है, जब हाथ में पेंशन आ जाएगी तो पूरा पूरा धन्यवाद करेंगे, लेकिन अभी तो करीब है। जब पूरा काम हो जाएगा तो पूरा धन्यवाद। कल हम लोगों ने अनाउंसमेंट कराया था इधर कि यहाँ पर एक छोटा कैंप लगाया जाएगा, बड़ा कैंप तो जो ना रॉयल बार्ड का में लगा था, उसके बाद एक छोटा कैंप यहाँ लगाया जाएगा जिसमें कि आपको सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक सरकारी कर्मचारियों का लंच रहेगा। उस बीच में आपका कोई काम नहीं हुआ, लेकिन 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका सारे काम जितने भी हैं, किसी की पेंशन नहीं बनी है वो पेंशन बनवा सकते हैं, लेकिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स घर से लेकर के आए, ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता थी। और लोगों को जागरूक भी किया था कि आप आए
और कैंप में अपना लाभ उठाए, तो लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे, अपनी पेंशन भी बनवा रहे हैं। ये आपके सामने पे काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पेंशन भी बन रही है, लोगों के आधार कार्ड भी ठीक हो रहे हैं। सरकार ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों को विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाया है। विधायक दुराराम ने लोगों को याद दिलाया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को भी योगदान देना होगा। उन्होंने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिसका लाभ लोगों को बकायदा मिल भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।